एक 19 साल की छात्रा, अब वो इंटर में पढ़ती थी, लेकिन वो लड़की अब पढ़ाई करती थी और घर आती थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। अब एक दिन उसी के गांव का एक लड़का, जो कि ग्राम प्रधान का लड़का होता है, अब फिर वो एक दिन उस लड़की को खेत में लेके जाता है। अब वो दबंग होता है और उसको ले जा करके वहाँ पे उसके साथ गलत काम करता है, रेप करता है। उसके बाद लड़की अब जैसे ही घर आती है, घर वालों को सारी हकीकत बताती है। उसके बाद घर वाले उसको ले जा करके पुलिस स्टेशन जाते हैं, अब वहाँ पे तहरीर देते हैं। लेकिन वहाँ पे जैसे ही ग्राम प्रधान होता है, वो सब उनका परिवार उसकी एक नहीं चलने देता, और जिस तरह से वहाँ पे मुकदमा दर्ज नहीं होता है। उसके बाद जैसे ही कुछ वक्त बीत रहा है, उसके बाद जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसी हिसाब से फिर से वो अपनी मदद के लिए इधर से उधर घूमते रहते हैं, लेकिन लास्ट कोर्ट तक का भी दरवाज़ा खटखटाते हैं। उसके बाद उसके साथ लड़के के साथ 6 महीने बाद फिर से रेप हो जाता है। लेकिन जैसे ही दूसरी बार फिर से रेप हुआ, अब घर में घुस के उसके साथ रेप किया, अब वो टूट जाती, हार जाती, थक जाती है। उसके बाद वो सोचती कि मेरे को इंसाफ मिलेगा नहीं, लेकिन मेरे साथ बहुत ज्यादती हो रही है। उसके बाद वो खुदकुशी कर लेती है, लेकिन आखिर में वो एक चिट्ठी लिख के छोड़ती है। क्या था उस चिट्ठी में, बताएंगे तो आज की कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी उत्तर प्रदेश का एक जगह है, चित्रकूट। दरअसल उसी में एक लड़की जो कि 19 साल की उम्र होती है, अब वो छात्रा पढ़ाई करती थी और जैसे वो इंटर में पढ़ती थी, उसके बाद अब घर वाले जैसे ही खेत से आते, अब दरवाज़ा खोलते, और दरवाज़ा खोलते ही वो देखते हैं अब वो फंदे से झूल रही थी। उसके बाद जैसे ही वो फंदे से झूल रही थी, एकदम से परिवार वाले पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, उनके होश फाख्ता हो जाते हैं। आखिर ये सब कैसे हुआ, हम ठीक ठाक इस लड़की को यहाँ पे छोड़ के गए थे, आखिर हुआ तो हुआ कैसे। उसके बाद अब वो पुलिस के पास फ़ोन करते हैं और पुलिस आती है और फिर जो बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर उनसे पूछती है आखिर ये सब कैसे हुआ। उसके बाद उसके परिवार वाले अब रो रो के पुलिस के सामने बताते हैं। अब लड़की इंटर की पढ़ाई करती थी, लेकिन आज से 6 महीने पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, घर में बिल्कुल सामान्य था, सब कुछ स्थिति ठीक थी। अब लड़की पढ़ाई करती थी या घर का काम करती थी, और फिर अब एक दिन जो वहीं पे उसी गांव में ग्राम प्रधान का लड़का होता है, वो दबंग होते हैं। उसके बाद वो लड़का एक दिन इस लड़की पे नज़र रखता था और इसकी तरफ बुरी नीयत से देखता था। अब वो लड़का इसको आज से ठीक 6 महीने पहले, अब 1 अक्टूबर को वो खेत में लेके जाता है और वहाँ पे उसको रेप करता है, उसके साथ बलात्कार करता है। लेकिन जैसे ही ये सब होता है, फिर वहाँ से वो दबंग वहाँ से आ जाता है और लड़की फिर आ करके घर अपनी सारी बातें बताती है कि मेरे साथ इसने गलत काम किया। उसके बाद लड़का जैसे ही ये गलत काम करके, अब फिर वो लड़की पुलिस में जाते हैं, उसके जो मम्मी पापा होते हैं वो पुलिस में लेके जाते हैं और फिर पुलिस में तहरीर देते हैं। उसके बाद जैसे ही ग्राम प्रधान को पता चलता है, उसके परिवार वालों को पता चलता है, वहाँ पे पहुँचते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है, इसने जो किया वो किया, अब आगे बात बढ़ाने से क्या फ़ायदा। अब वहाँ पे एक समझौता करते हैं, जिस तरह से एक गांव का ग्राम प्रधान होता है, अब वो ये समझौता करता है कि इस लड़की की इससे शादी कर देते हैं। उसके बाद जो लड़के के पक्ष वाले हैं वो कहते हैं कि एक ही बिरादरी के हैं तो शादी कर लेते हैं, इस लड़की की इस लड़के से शादी करवा देते हैं। उसके बाद ये सहमति बनती है कि ठीक है, अब लड़की वाले भी सोचते हैं ठीक है, इसके साथ लड़की के साथ जो भी हुआ गलत हुआ है, लेकिन अब शादी हो जाएगी इसी लड़के से तो फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो ग्राम प्रधान होता है और दबंग होता है और पैसे वाले होते हैं और लड़की वाले गरीब होते हैं। उसके बाद लड़की वाले सोचते हैं चलो ठीक है, इसके साथ शादी हो जाएगी। अब वहीं पे वो रफे दफे कर देते हैं, अब मामले को दबा देते हैं। उसके बाद वहाँ से सीधा घर आ जाते हैं। लेकिन अब कुछ समय और बीतता है, अब लड़की वाले उसके घर फिर से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कुछ दिन बीतते हैं, अब वो शादी की बात करते हैं, अब फिर से वो कुछ टाल मटोला कर देते हैं, बात को आया गया कर देते हैं। उसके बाद अब जैसे जैसे समय बीतता है, अब फिर से कुछ गैप दे करके फिर से बात करते हैं, अब फिर से वो शादी की बात करते हैं कि अब तो शादी कर लो, लेकिन फिर से उस बात को आया गया कर देते हैं। लेकिन ऐसे करते करते काफ़ी वक्त बीत जाता है, लेकिन अब लड़की पक्ष वाले आरोप ये भी लगाते हैं कि लड़के वालों ने 25 लाख रुपए का दहेज की डिमांड की, जो कि हम नहीं दे सकते। उसके बाद वो रिश्ता तोड़ देते हैं, वो बोलते हैं शादी नहीं करेंगे। उसके बाद लड़की पक्ष वाले अब कोर्ट का सहारा लेते हैं, कोर्ट में केस कर देते हैं। लेकिन जैसे ही केस चल ही रहा था, उसके बाद
अब फिर कुछ समय और बीतता है, अब लड़की कहीं ना कहीं अब डिप्रेशन में थी। अब वो सोचती थी पहले, अब जिस तरह से बदनामी हुई और रेप हुआ उसकी पढ़ाई पे भी काफ़ी असर पड़ा, और फिर जिस तरह से अब वहाँ पे अब शादी की बात हुई थी और फिर अब वो शादी कर नहीं रहे थे, ये सब कुछ वक्त बीतता रहता है और ये सब सोच सोच के अब वो परेशान हो जाती है। उसके बाद कोर्ट में केस चलता है और फिर वो ये भी परेशानी थी कि कोर्ट में जाना पड़ता था। उसके बाद और फिर ठीक 6 महीने बाद अब दिन आता है 6 अप्रैल। अब इसी 6 तारीख को उसके साथ अब घर में घुस करके अब वही लड़का, अब वो ग्राम प्रधान का जो लड़का होता है, वो फिर से उस घर में घुस करके उसी लड़की के साथ जिसके साथ उसने 6 महीने पहले अब 1 अक्टूबर को रेप किया था, और फिर अब 6 अप्रैल को फिर से उसके साथ लड़की के साथ रेप कर देता है। अब घर में घुस के ये सब हो जाता है और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। अब लड़की सोचती है कि मेरे साथ गलत हुआ, पहले भी रेप हुआ था, मैं पुलिस में गई थी, लेकिन पुलिस में वहाँ पे जिस तरह से कार्रवाई होनी नहीं दी, और उसके बाद वहाँ से एक समझौते के तहत कि शादी कर देंगे, और फिर वहाँ पे उसको रफे दफे कर दिया, बाद में शादी नहीं की और फिर दहेज मांगा। लेकिन इन सब के बाद भी अब कोर्ट का सहारा लिया और कोर्ट में केस चल रहा है और फिर भी रेप हो गया, मेरे को शायद न्याय नहीं मिलेगा। उसके बाद वो लड़की हार थक जाती है और टूट जाती है, क्योंकि वो सोचती है कि मैं गरीब घर से हूँ, लेकिन वो पैसे वाले घर से हैं, दबंग है तो हमारी शायद चलने नहीं देंगे। उसके बाद लड़की परेशान हो के अब फिर वो कहीं ना कहीं गलत फैसला सोचती है। उसके बाद वो लड़की अब एक पत्र लिखती है, अब एक चिट्ठी लिखती है, और उसमें यही लिखती है कि तुम पैसे वाले हो, अपने पैसे का तुमको घमंड है, लेकिन हम गरीब हैं। उसके बाद वो सारा लेटर लिख करके अब वो सारा टाइप करती है अपने पेन से लिख करके, अब वो रख देती है और वो सारी बातें लिखती है जो उसके साथ घटना घटित हुई और उसके साथ जो भी गलत हुआ। उसके बाद वो अपना दुपट्टा उतारती है और फिर ऊपर फांसी का फंदा लगा करके अब खुदकुशी कर लेती है। अब लड़की के पेरेंट्स वहाँ पे होते नहीं हैं, वो खेत में होते हैं, अब गेहूँ की कटाई करने के लिए खेत में गए हुए थे। अब उसी का मौका देख करके उस लड़के ने अब घर में घुस के उसके साथ रेप किया और फिर उसके बाद वो निकल जाता है। अब लड़की भी सोचती है कि मेरी जिस तरह से जो भी उसने गलत किया और मेरे को इंसाफ मिलेगा नहीं, तो सीधा दुपट्टे से अपना फंदा लगा लेती है और अपने आप को ख़त्म कर लेती है, लेकिन पीछे छोड़ जाती है जो उसने एक लेटर लिखा एक। उसके बाद जैसे ही उसके पेरेंट्स आते हैं और फिर वो अब दरवाज़ा खोलते हैं, खोलते ही देखते हैं कि उसकी बेटी अब छत से दुपट्टा लगा करके अब उसने अपनी खुदकुशी कर ली। उसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन वो आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ पर पुलिस बुलाते हैं। उसके बाद अब वो लेटर पुलिस को दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही बॉडी को पुलिस अपने कब्जे में लेती है पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, लेकिन पोस्टमार्टम होने के बाद अब जो बॉडी होती है वो उनके परिजनों को अब हैंड ओवर करती है, लेकिन वो लेने से इनकार कर देते हैं। अब उनको ये विश्वास नहीं होता था कि अब भी हमारे साथ इंसाफ होगा या नहीं, लेकिन वो जिस तरह से SP के पास भी जाते हैं, अब उसके बाद काफ़ी हंगामा होता है। अब जो पुलिस वहाँ पर होती है वो ये कहते हैं कि जिस तरह से इसके साथ जो भी दुर्घटना हुई है, रेप हुआ है, अब वो सारे चार्जेस लगा दिए जिस तरह से इसके साथ गलत हुआ है, उसके बावजूद भी परिजन मानते नहीं हैं। लेकिन पुलिस मोबाइल में अब वो FIR की कॉपी मंगवाती है और दिखाती है, देखो हमने अब जिस तरह से इसके साथ जो रेप हुआ, रेप के चार्ज लगा रखे हैं, और जो भी इसके साथ गलत हुआ है वो सारे चार्ज अब इस FIR कॉपी में दर्ज है। उसके बाद जैसे ही वो सब अब वो कॉपी देखते हैं तो फिर उनको संतुष्टि होती है, तब उस लड़की की जो डेड बॉडी होती है अब फिर उसको हैंड ओवर पुलिस करती है और वो ले जा करके उसका अंतिम संस्कार करते हैं। अब एक गरीब घर की बेटी और एक गांव का जो मुखिया का लड़का, जिस तरह से ग्राम प्रधान का बेटा और उसने उस गरीब घर की लड़की के साथ ये सब किया, बहुत ही गलत है, क्योंकि जो ग्राम प्रधान होता है वो तो एक दूसरे की समस्या सुनता है, लेकिन इसके साथ उसके बेटे ने ही समस्या पैदा कर दी और इस कदर पैदा की कि उसने अपनी जान दे करके चुकाना पड़ा। ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।